राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां कलेक्टर संजय कुमार का तबादला किया गया है। दतिया कलेक्टर थे संजय कुमार और अब दतिया के नए कलेक्टर विजय दत्ता होंगे। चुनाव आयोग में संजय कुमार की शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और कलेक्टर संजय कुमार का तबादला किया गया है। उस वक्त ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इसके बीच में चुनाव आयोग से की गई शिकायत के आधार पर कलेक्टर संजय कुमार का तबादला किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। ब्रजेश जी, उपचुनाव की जो पूरी की पूरी प्रक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और उसके बीच में तबादला यानी कि ये जो कार्रवाई की गई है, इसे किस नजर से देख पाते हैं? विकास, दरअसल क्या होता है, चुनाव के दौरान जो भी सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के रिश्तेदार अधिकारी हों, जो करीबी हों या जिनकी ऐसी भावना रहती हो कि वो उस तरफ प्रेशर में या उसमें भेदभाव तक कार्रवाई की जिनपे आशंका है, कांग्रेस ने करीब एक दर्जन अधिकारियों के नाम जब शिकायत की गई थी, उनमें इनका भी नाम था कि ये लोग सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं या किसी के नाते रिश्तेदार हैं या ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न नहीं करा सकते हैं। तो ऐसा पहले भी चुनाव आयोग कार्रवाई करता रहा है, जिसके जिनकी नियत पे आयोग को या विपक्ष को किसी को भी डाउट होता है और जिनसे निष्पक्षता पूर्ण चुनाव नहीं होने की संदेह रहता है, उन्हें हटाकर इस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। तो हो सकता है विकास के आगे अभी और भी इसी तरह अधिकारियों को हटाकर बदला जाए। आपकी प्रक्रिया होती है, जब इस तरह के अधिकारियों को हटाया जाता है तो उनकी जगह जिनकी नियुक्ति होती है उसके लिए पैनल मांगा जाता है, तीन सदस्य तीन लोगों के नाम भेजे जाते हैं आयोग को और आयोग उनमें से अनुमति देता है, उसको वहां पे पदस्थ कर दिया जाता है। यानी कि आने आने वाले 20 दिनों में, जब तक कि ये चुनाव होने जा रहे हैं, जिस दिन वोटिंग होगी उसके पहले पहले और भी तस्वीरें ऐसी देखने को मिल सकती हैं ब्रजेश जी? बिल्कुल विकास, एक तो जिन कांग्रेस ने जिन लोगों की शिकायत की है, यदि वो चुनाव आयोग उसकी शिकायत क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी से टूट गया है, तो जैसे वो जानकारी देते हुए नजर आए कि जब भी कोई दल शिकायत करता है तो चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेकर के इस तरह की कार्रवाइयां करता आया है। पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।